so let's start question likho annuity of rupees Four hundred per annum paid quarterly in arrears for four years. I two is equal to six percent. Calculate the present value. ठीक है क्वार्टर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग वारियर्स मान के चलेंगे बट स्पेसिफिकली यहां पर हम लोग को बोल दिया है एक सम से हम लोग पूरा एनविटी समझ जाएंगे एंड पीएथली भी समझ जाएंगे ठीक है इस एक सम को हम लोग पहले समझते हैं इसमें क्या बोला है क्वार्टरली पेमेंट होगा और एनुअल पेमेंट हमको रेट दे दिया 400 मतलब हर क्वार्टर में कितना पेमेंट होगा हर क्वार्टर में कितना पेमेंट होगा पहले तो ये बताइए ठीक है हर क्वार्टर में सौ रुपए का पेमेंट होगा मैंने जीरो जैसे मान लो क्वार्टर में अगर हम लोग वर्क करेंगे सो वन टू थ्री चार साल में कितना क्वार्टर होता है हंड्रेड 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 यही होगा हां कि ना हर क्वार्टर में सौ रुपया का पेमेंट होगा हम लोग को रेट देखो क्या दिया है आई टू नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल हाफ ईयरली नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल ये हम लोग को दिया हुआ है कैसे करें सबसे पहले तो हम लोग जिस टाइम पीरियड में काम करना चाहते हैं अभी हम लोग काम करेंगे क्वार्टर्स में तो हम लोग को उस टाइम पीरियड का पहले तो इफेक्टिव रेट चाहिए होगा एंड क्वार्टर का इफेक्टिव रेट क्या है आई फोर बाय फोर सो आई टू दिया हुआ आई फोर बाय फोर निकालने का ट्राई करते हैं सो वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स बाय टू यह कितने साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है ये कितने साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है हाफ ईयर का अक्यूमुलेशन फैक्टर है वन प्लस आई टू बाई टू इज वॉट हाफ ईयर का अक्यूमुलेशन फैक्टर सो दिस इज इक्वल टू वॉट वन प्लस आई फोर बाई फोर यह कितने साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है क्वार्टर का सो जब पावर में मैं टू करूंगा तो क्या आ जाएगा दोनों हाफ ईयर का इक्वेट कर दिया मैंने अब यहां से पहले आप लोग निकालिए आई फोर बाई फोर कितना आ रहा है बताइए जीरो पॉइंट जीरो वन फोर बाई फोर मैंने एकदम क्लियरली लिखा है अवनी क्वार्टरली इन अरियर्स सॉरी ये हिल कैसे किया अभी आएगा वापस उधर ये तो मेरे को देखना पड़ेगा चलो ट्राई करते हैं हाँ, ठीक है ना जीरो पॉइंट जीरो वन फोर एट एट नाइन जीरो पॉइंट जीरो वन फोर एट एट यार है एकदम क्लियर है सबको अब हम लोग को क्या करना है हंड्रेड ये कितना पेमेंट है क्वार्टर का पेमेंट है कितना क्वार्टर के लिए जाएगा सोलह क्वार्टर के लिए एक क्वार्टर में कितना बार पेमेंट होगा एक क्वार्टर में कितना बार पेमेंट होगा तो लेवल एनविटी हो गया एंड क्वार्टरली एफेक्टिव रेट क्या है क्वार्टरली एफेक्टिव रेट क्या है जीरो पॉइंट जीरो वन फोर जीरो पॉइंट जीरो वन फोर एट एट नाइन समझा तुम लोग हां कि ना तो बेसिकली आज हम लोग को यह समझ में आ गया कि ये ये और ये ये तीनों क्या होना चाहिए सेम टाइम पीरियड का होना चाहिए ठीक है अब इसको सॉल्व करो देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा सो दिस इज हंड्रेड वन माइनस वन पॉइंट जीरो वन फोर एट एट नाइन टू दी पावर क्या होगा बताइए माइनस होल डिवाइड बाय जीरो पॉइंट जीरो वन फोर एट एट नाइन कितना आ रहा आंसर इसका बताइए हाँ गलत है तेरा आंसर वन फोर वन फोर ये सही है थ्री एटी फाइव कैसे आ सकता है पहले तो तुम ये सोच कि अगर 16 बार पेमेंट हो रहा है ओ एक्चुअली नहीं एकदम सही है ठीक ही है मैंने जो किया एकदम सही है जैसे देखो ये जो मैंने लिखा है ये क्वार्टरली इफेक्टिव रेट है यहां पर हमेशा वो टाइम पीरियड का इफेक्टिव रेट आएगा जिस टाइम पीरियड में हम लोग काम कर रहे हैं ठीक है ना हम लोग क्वार्टर्स में काम कर रहे हैं ये क्वार्टरली पेमेंट हो गया ये नंबर ऑफ क्वार्टर्स हो गया एंड ये हो गया क्वार्टरली इफेक्टिव रेट सबका आ रहा है वन फोर वन फोर अब यही सेम चीज को हम लोग दो और तरीका से करेंगे और समझेंगे एनविटी कैसे करते हैं ठीक है अब इसको ध्यान देना एकदम अब इसी चीज को हम लोग करेंगे हाफ ईयर्स में तो हर हाफ ईयर में कितना पेमेंट हो रहा है पहले तो ये बताओ 200 का पेमेंट हो रहा है हर हाफ ईयर में ए चार साल में कितना हाफ ईयर होता है आठ एक हाफ ईयर में कितना बार पेमेंट हो रहा है एंड हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट क्या है हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट उठा के पटक देंगे हाफ ईयर का इफेक्टिव रेट पूछ रहे हैं ठीक है अब ये इक्वेशन बन गया ना अब भूल जाओ कि ये तीन परसेंट क्या है अब इसको आई मान के क्या निकालेंगे आई टू एक बार इक्वेशन में डाल दिए उसके बाद मत सोचना कि ये आई टू बाई टू है आई फोर बाई फोर है कि ये क्या है ये अब मेरा आई है और इसको आई मान के क्या निकालेंगे आई टू ध्यान देना तो कैसे सॉल्व होगा टू हंड्रेड वन माइनस वन पॉइंट जीरो थ्री टू दी पावर माइनस एट बाय आई टू आएगा ना आई टू एट द रेट थ्री परसेंट डिवेल्यूएट होगा चलो सॉल्व करके देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इक्वेशन क्या बनाएंगे वन पॉइंट जीरो थ्री टू दावर हाफ माइनस वन इंटू टू सॉल्व करके देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वाई डिड बी टेक आई फोर बाई फोर हम लोग ये नॉर्मल लेवल एनमिटी कर रहे हैं ये नॉर्मल लेवल एनमिटी कर रहे हैं और हम लोग क्वार्टर्स में काम कर रहे थे बोल के मैंने ये लिया है हम लोग तो नॉर्मल लेवल एडमिटी की तरह कर रहे हैं ना अभी तो इसमें पीएच पेमेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पहले वाले में तो पीएच पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जिस टाइम पीरियड में काम कर रहे उस टाइम पीरियड में एक पेमेंट हो रहा है तो ऊपर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सेकेंड वाले में पीएच का कॉन्सेप्ट आया तो मैंने किया सेम आएगा एकदम देख लेना सबका आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे नहीं तो नहीं बढ़ेंगे सर सेकंड में पीएथ वाला कॉन्सेप्ट सेकंड में पीएथ वाला कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है वी आर वर्किंग इन हाफ इयर्स सो एक हाफ ईयर में दो बार पेमेंट होगा 200 मेरा हाफ ईयरली अमाउंट है नंबर ऑफ हाफ ईयर इज एट एंड हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट इज थ्री परसेंट सो दो आठ और तीन ये तीनों हाफ ईयर्स का है ठीक है डेसिमल्स का डिफरेंस हो सकता है थोड़ा बहुत नहीं एक बार समझो अभी हम लोग हाफ ईयर में कर रहे हैं ना तो हाफ ईयर के हिसाब का आई यही है आई मतलब क्या पूरे टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रेट सो बेसिकली अगर हम लोग क्वार्टर्स में देखेंगे तो क्वार्टर्स का आई ये है ठीक है एनुअल में काम करेंगे तो आई इज आई हाफ ईयर में काम करेंगे तो आई टू बाई टू इज आई क्वार्टर्स में काम करेंगे तो आई फोर बाई फोर इज आई मंथ्स में काम करेंगे तो आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व इज आई एक और तरीके से इसको करेंगे देखो ध्यान देना अब हम लोग करेंगे ईयर्स में तो अगर ईयर्स में करेंगे तो एनुअल पेमेंट कितना है चार सौ कितना साल बोला है चार साल एक साल में कितना बार चार बार एट द रेट अब देखो मेरे को आई टू दे दिया है ना अब वहां से आई निकालेंगे सो वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स बाई टू का स्क्वायर माइनस वन बताओ कितना आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो नाइन आ रहे क्या चेक करो तो तो यहां पर क्या लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो नाइन अब यहां पर लिख दिए ना अब ये मेरा आई है अब मत सोचना कि ये क्या है ये मेरा आई है और इसको आई मान के क्या निकालेंगे आई फोर कैसे करेंगे ध्यान देना चार सो वन माइनस वन पॉइंट जीरो सिक्स जीरो नाइन टू दी पावर माइनस फोर बाय आई फोर ठीक है अब आई मान के आई फोर निकालो तो कैसे करेंगे वन पॉइंट जीरो सिक्स जीरो नाइन टू दी पावर वन बाय फोर माइनस वन होल इन टू फोर इज आई फोर बताओ कितना आ रहा है सेम आएगा एकदम चेक कर लेना आई मान के आई फोर निकालें सो so बेसिकली अब इस सब में क्या हो जाएगा अब इस सब में ये ये और ये ये तीनों क्या है बताइए सेम टाइम पीरियड का है देखो तो तीनों मेथड से सेम आंसर आ रहे हैं कि अलग अलग आंसर आ रहे हैं आ रहा है तीनों से सेम आंसर आ रहा है तीनों मेथड आ से से रहे ना हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एक और क्वेश्चन लिखिए पर मंथ कितने का पेमेंट हो रहा है हंड्रेड आई फोर दिया हुआ है एट परसेंट दस साल पेमेंट होगा कुछ नहीं बोला है तो अरियर्स मानेंगे हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है हां पर मंथ पर मंथ हंड्रेड रुपीज का पेमेंट हो रहा है आई फोर एट परसेंट दिया हुआ है दस साल प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अब एकदम ध्यान से सुनना सबसे पहले हम लोग इसको देखो कितना कितना तरीके से कर सकते हैं तुम जिस टाइम पीरियड में काम करना चाहता है उस टाइम पीरियड में मिनिमम एक पेमेंट हो जाना चाहिए तुम जिस भी टाइम पीरियड में काम करना चाहता है जैसे मान लो अगर तुम यहां पर मंथ्स में काम करना चाहता है तो कर सकता है बट वीकली काम करना चाहता है तो नहीं कर सकता है क्यों नहीं कर सकता है क्योंकि एक वीक में एक पेमेंट हो रहा है क्या द आंसर इज नो आइए इसको सबसे पहले मंथ से सॉल्व करेंगे तो मंथ से सॉल्व करने से क्या आएगा हंड्रेड दस साल में कितना महीना होता है वन ट्वेंटी एक महीना में कितना पेमेंट हो रहा है एक एंड हम लोग को चाहिए होगा मंथली एफेक्टिव रेट सो हम लोग क्या करेंगे 1 4, ये कितना महीना का अक्यूमुलेशन फैक्टर है ये कितने महीने का अक्यूमुलेशन फैक्टर है बता तीन महीने का आई फोर बाई फोर है ना सो क्वार्टरली एफेक्टिव रेट है सो so, एक क्वार्टर में कितना महीना होता है तीन महीना दिस इज इक्वल टू वॉट वन प्लस आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व ये कितने महीने का अक्यूमुलेशन फैक्टर है एक महीने का है तो इसके पावर में क्या डालेंगे थ्री अब यहां से आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व निकालिएगा बताइए कितना आ रहा है वॉट इज आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व मंथली एफेक्टिव रेट वॉट इज आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व मंथली एफेक्टिव रेट वॉट इज आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व मंथली एफेक्टिव रेट कितना आ रहा है बताइए जीरो पॉइंट जीरो सेवन नहीं आ सकता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स सिक्स टू थ्री तो यहां पर आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स सिक्स टू थ्री अब सॉल्व करिए सो हंड्रेड वन माइनस वन पॉइंट डबल जीरो सिक्स सिक्स टू थ्री टू दी पावर माइनस वन ट्वेंटी बाय जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स सिक्स टू थ्री इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है सर हाउ इज दैट इक्वल हाँ ये आपका एक क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर हुआ और ये भी आपका एक क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर हुआ क्योंकि एक क्वार्टर में कितना महीना होता है तीन महीना एक क्वार्टर में कितना महीना होता है तीन महीना कितना आ रहा है आंसर बताइए एट टू सिक्स जीरो पॉइंट नाइन एट 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 टू सिक्स जीरो पॉइंट नाइन एट एट सबका आया येस और नो सबका आ गया अब इसी को एक और मेथड से करेंगे इसी को एक और मेथड से करेंगे ध्यान दीजिएगा अब क्वार्टर्स में करते हैं तो एक क्वार्टर में कितना पेमेंट होगा तीन सौ दस साल में कितना क्वार्टर होगा दस साल में कितना क्वार्टर होगा फोर्टी क्वार्टर्स। फोर्टी क्वार्टर एक क्वार्टर में कितना पेमेंट हो रहा है तीन एंड क्वार्टरली इफेक्टिव रेट क्या है क्वार्टरली एफेक्टिव रेट क्या है आई फोर बाई फोर आई फोर बाई फोर कितना है जीरो पॉइंट जीरो टू ठीक है अब हमने यहां पर डाल दिया ना जीरो पॉइंट जीरो टू अब मत सोचिएगा कि ये जीरो पॉइंट जीरो टू क्या है आई टू बाई टू है आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व है आई फोर बाईव इसको आई मान के क्या निकालना पड़ेगा आई इसको आई मान के क्या निकालना पड़ेगा आई थ्री सो थ्री हंड्रेड वन माइनस वन पॉइंट जीरो टू टू दी पावर माइनस फोर्टी बाई आई थ्री आई दिया आई थ्री निकालना है सो वन पॉइंट जीरो टू टू पावर वन बाई थ्री माइनस वन होल इंटू थ्री इज आई थ्री सॉल्व करके बताइए देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है फटाफट सॉल्व करके बताइए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है और आई किसको मानेंगे यहां पर दो परसेंट को बहुत सिंपल है ये क्वार्टर्स में काम कर रहे हैं यहां पर ठीक है और जिस टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में एक पेमेंट नहीं हो रहा है कितना पेमेंट हो रहा है उस टाइम पीरियड में एक पेमेंट नहीं हो रहा है कितना पेमेंट हो रहा है बताइए तीन पेमेंट हो रहा है हाँ? सेम आ रहे कि नहीं वो बताओ ठीक है वो तो डेसिमल अगर पूरा लेगा तो पूरा सेम आंसर आएगा अब देखो इस और तरीके से कैसे कर सकते हैं ये हमने किया क्वार्टर्स में अब हम लोग करेंगे हाफ ईयर्स में सो हाफ ईयर्स में कैसे होगा हाफ ईयर में कितना पेमेंट हो रहा है ट्राई कीजिए सिक्स हंड्रेड ए दस साल में कितना हाफ ईयर दस साल में कितना हाफ ईयर बीस एक हाफ ईयर में कितना पेमेंट छ एट द रेट यहां पर आएगा हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है आई टू बाई टू हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है आई टू बाई टू सो हम लोग को क्या दिया हुआ वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू का स्क्वायर माइनस वन समझ गया ना वन प्लस आई फोर बाई फोर क्या हो गया एक क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर उसका स्क्वायर करेंगे तो दो क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा आई टू बाई टू ठीक है ना बताइए कितना आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो फोर अभी आ गया ना अब मत सोचिए कि आई टू बाई टू है आई फोर बाई फोर है आई ट्वेल्व बाई टी मान के क्या निकालेंगे आई सिक्स कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा सिक्स हंड्रेड वन माइनस वन पॉइंट जीरो फोर जीरो फोर टू दी पावर माइनस ट्वेंटी होल डिवाइड बाई आई सिक्स सो आई क्या है वन पॉइंट जीरो फोर एक मिनट वन पॉइंट जीरो फोर जीरो फोर होल टू दावर वन बाय सिक्स माइनस वन होल इन टू सिक्स सॉल्व करिए इसको जीरो पॉइंट जीरो टू क्या है आई फोर दिया हुआ जीरो पॉइंट जीरो एट तो आई फोर बाई फोर विल बी दिव रेट सो एट परसेंट को अगर फोर से डिवाइड करेंगे तो दो परसेंट आएगा ध्रुवी बोलो भाई क्या हां दो क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर इज एक हाफ ईयर का अक्यूमुलेशन फैक्टर दो क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर इज़ एक हाफ ईयर का अक्यूमलेशन फैक्टर ठीक है बोल भाई ठीक है कितना आ रहा है सेम आंसर आ रहा है एक और मेथड से करते हैं इसको अब क्या होगा एनुअल में करते हैं सो so, एनुअल में करने से क्या हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड ए टेन एक साल में कितना बार बारह बार एट द रेट आई सो आई कैसे निकालेंगे वन पॉइंट जीरो टू टू दर फोर माइनस वन कितना आ रहा है बताइए वन पॉइंट जीरो टू टू दी पावर फोर माइनस वन कितना आ रहा है बताइए जीरो पॉइंट जीरो एट टू फोर थ्री टू जीरो पॉइंट जीरो एट टू फोर थ्री टू ठीक है ना अब इसको सॉल्व करिए देखिए क्या आता है सो ट्वेल्व हंड्रेड वन माइनस जीरो पॉइंट वन माइनस वन पॉइंट जीरो एट टू फोर वन पॉइंट जीरो एट टू फोर थ्री टू टू दी पावर क्या आएगा बताइए माइनस टेन और नीचे में क्या आएगा आई ट्वेल्व ठीक है अब आई दिया हुआ आई ट्वेल्व निकालो सो वन पॉइंट जीरो एट टू फोर थ्री टू दी पावर वन बाई ट्वेल्व माइनस वन होल इन टू ट्वेल्व देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करिए अब मोटा मोटी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है करना कुछ भी नहीं है सिर्फ बेसिक चीज करना है कि जिस टाइम पीरियड का दिया है उस टाइम पीरियड का इफेक्टिव रेट लगाना है और फिर उसको आई मान के डिनोमिनेटर में जो भी दिया है उसको सॉल्व करना है ठीक है ये नहीं सोचना है कि वो क्या है ठीक है सॉल्व हुआ ये ला हां ठीक है लंच ब्रेक